ब्लैक रिबॉन इनिशिएटिव अभियान के अंतर्गत डॉक्टर वरुण कपूर विशेष पुलिस महानिदेशक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साइबर अपराध जागरूकता एवं बचाव विषय पर आयोजित 683वीं कार्यशाला में साइबर जागरूकता एवं सुरक्षा के संबंध में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। साइबर अपराध बुलिंग, ग्रूमिंग, स्कॉटिंग, फिशिंग के माध्यम से किए जाते हैं। साइबर अपराधी अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया, ईमेल, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग, गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर बच्चों, किशोरों के साथ ही वयस्क प्रोण व्यक्तियों तथा तक को अपना शिकार बनाते हैं और ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे उन्हें आसानी से ब्लैकमेल किया जा सके। ब्लैकमेल कर यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करते हैं। अपने बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन कब, कैसे और कहाँ शेयर करनी है, शेयर करना भी है या नहीं, इसके लिए सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ साइबर स्पेस का उपयोग करें। इस अपराध को अंजाम देने वाला आपका परिचित, रिश्तेदार, मित्र या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अनजान कॉल, वीडियो स्वीकार ना करें, अनजान लिंक को क्लिक ना करें, अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। व्यक्तिगत विवरण जैसे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, गोपनीय जानकारी और तस्वीरें शेयर न करें। अनावश्यक एवं अनजान सॉफ्टवेयर, एप्स, ऑनलाइन गेम इंस्टॉल न करें। साइबर स्पेस का उपयोग करते समय अच्छे डिजिटल फुटप्रिंट बनाने के बारे में बताया गया है, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी गतिविधि साइबर वर्ल्ड में करने के पूर्व सोच समझ कर करें, क्योंकि साइबर वर्ल्ड के किसी भी अपराध को डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड मीडिया में कार्य करने के पूर्व सोचे, समझे व फिर कार्य करें तथा अच्छा फुटप्रिंट बनाए। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। सर, आज आपका जबलपुर में आगमन हुआ है, आप सर कॉलेज में, श्रीराम कॉलेज में। सर, साइबर क्राइम को लेकर के, जागरूकता को लेकर के, विषय को लेकर के आप क्या सोचते हैं सर, क्या दृष्टिकोण आपका है? दृष्टिकोण यही है कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आई थिंक आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती अगर लोगों की सुरक्षा के लिए है तो साइबर सुरक्षा की चुनौती है, और उससे सामना करने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है और वह है लोगों की जागरूकता। तो जितने लोग जागरूक होंगे उतने ज़्यादा वो सतर्क होंगे, उतने ज़्यादा सुरक्षित होंगे। सर, चूँकि देख रहे हैं हम, ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है सर, इसमें जो साइबर क्राइम से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, क्या अवेयरनेस हो सकती है? मैंने आपको बताया, अवेयरनेस ही उसका एक तरीका है। अवेयरनेस मतलब जानकारी होना और फिर उस जानकारी का उपयोग करना। तो क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम है तो इसको समझ लोगों को कभी कभी मुश्किल से आती है, बट फिर भी जितना आप समझ सको, जितना जान सको और क्या क्या तरीके हैं और कैसे कैसे अपराध हो रहा है, और जब आपको ये अपराध की जानकारी मिलेगी और कैसे होता है तब आपको उसके उपाय भी मिलेंगे कि आप क्या कर सकते हो खुद को बचाने के लिए। बट साइबर स्पेस में किसी व्यक्ति को कोई दूसरा सुरक्षा नहीं दे सकता। जैसे असली दुनिया है, इसमें मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मेरा काम है लोगों को सुरक्षा देना, तो पर वर्चुअल दुनिया में आपको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। क्योंकि गलती तो लोग खुद ही कर रहे हैं और उस गलती को करने से कोई उनको रोक नहीं सकता, सिर्फ खुद ही रोक सकते हैं। तो जब जागरूक होंगे तब बचेंगे, और जितनी जागरूकता उन तक आएगी उतनी कम है मेरे विचार में। प्रयास करते रहना चाहिए, लोगों को जागरूक होते रहना चाहिए। सर, जबलपुर के अलावा और भी अन्य जिलों में इस तरह के कार्यक्रम? मैं तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, 10-11 साल हो गए मेरे को, 12-13 साल हो गए नियरली, तो मेरे तो हज़ारों प्रोग्राम्स हैं। मैं तो जबलपुर भी आया हूँ, पर कुछ साल पहले आया था, तो 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट। बट जब भी समय मिलता है मैं जरूर करता हूँ, बट पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में करता हूँ, तो उसमें तो कोई पहली बार नहीं है।